তিন কৃষি আইন বাতিল ঘোষণা হলো এবং সংসদের ভেতরেও এমনটাই হলো, হবারই ছিল এমনটা। চাপ, মামলা, শাসকের চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র সব ব্যর্থ করে দেশের অন্নদাতাদের আন্দোলন বুঝিয়ে দিল ভুল ছিলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। কৃষকদের লড়াই স্বাধীন ভারতে প্রমাণ করে দিল এখানে ক্ষমতায় থাকলেই যা ইচ্ছা তাই করা যায় না, গণতন্ত্রে যা ইচ্ছা তার সুযোগ নেই। তবে কপাল খারাপ মোদি সাহেবের, তিনি ক্ষমা চাইলেন কিন্তু ক্ষমা ভাগ্যে জুটল না। দিল্লি সীমান্তের তিন দিক এখনো ঘিরে রেখেছে দেশের অন্নদাতারা। গাজীপুর, টিকরি এবং সিংহুতে এখনো বসে আছেন তারা। দাবি, আইন বাতিল করলেই হবে না, এমএসপি বা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস চালু করতে হবে, নইলে আন্দোলন চলছেই। সব মিলিয়ে পাঁচ রাজ্যে ভোটের মুখে বেশ অস্বস্তিতে যোগী মোদিরা। ইন্ডিপেন্ডেন্ট শনিবার দিনভর ছিল গাজীপুর এবং টিকরি সীমান্তে। গ্রাউন্ড জিরো থেকে রইল সেই রিপোর্ট। কৃষক আন্দোলন এখনো চলছে দিল্লির বিভিন্ন সীমান্ত থেকে আমরা রিপোর্টিং করে চলছি, এবং গ্রাউন্ড জিরো থেকে আমরা শুধু এইটুকু দেখানোর চেষ্টা করব গোটা রাজ্যকে যে দেশের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমা চেয়ে আইন প্রত্যাহার করে নেবার পরও এনারা কেন এখনো আন্দোলনরত। মোদিজি নে তো ক্ষমা ভি মাং লিয়া আপসে অর উইড্রো ভি করনে কা বাদা কিয়া, ফির ভি আপ ব্যাঠে ইয়াহ পর। দেখিয়ে, ক্ষমা মাংনে সে 750 কিসানো কি জো হত্যা করি হ্যায় ভো তো মাফ নি হো জায়েগি, ভো তো সারে জেলো মে ভরে হুয়ে জো কাতিল হ্যায় ভে ক্ষমা মাং লেঙ্গে অর ফ্রি হো জায়ে। तो 750 किसान जो मारे, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, लोग बोल रहे हैं हम धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, हम बिल्कुल धन्यवाद नहीं करते, हम लानत भेजते हैं मोदी जी पे कि एक साल तक हमारा किसान सड़कों पे मरता रहा। हमने देखा यहाँ पे सर्दी से मरे, बीमारियों से लोग मरे, पुलिस की लाठियों से लोग मरे, तो हम बिल्कुल कोई धन्यवाद नहीं करते। हम आज भी उतना ही विरोध करते हैं और कल भी प्रधानमंत्री जी का उतना ही विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का। जी, जिस राज्यों में वोट है, मतलब पकड़ लीजिए कि अगले साल तक पांच राज्यों में वोट है, विधानसभा का वोट है, तो इसीलिए शायद विड्रो हुआ है। तो अब क्या बताएंगे, वोट फॉर बीजेपी बताएंगे आप? बिल्कुल नहीं बताएंगे, जिंदगी में कभी बीजेपी को वोट नहीं देना, हम तो जाके नहीं, मोदी जी ने क्षमा मांग ले तो विड्रो कर लिया ना। नहीं, तो क्षमा मांगते रहे वो, मैं वही कह रहा हूँ ना, 750 आदमियों को मार के क्षमा मांग ली उन्होंने, उससे अगर संवेदना थी तो वो संवेदना पहले दिन क्यों नहीं जागी, जब पिछले साल हम 26 नवंबर को यहाँ पहुँचे। अगर शर्म होती इस सरकार में तो इतने लाख किसान यहाँ पे आए तो आप उसी दिन वो कह देते कि भैया मैं वापस दे रहा हूँ, इतना बड़ा विरोध है। तो और रही पांच राज्यों की बात, आप बंगाल से आते हैं, बंगाल में छोटा कैप्सूल हम दे दिया है हमने भाजपा को, इनको पता चल गया, इनके खुद के MP MLA छोड़ छोड़ के तृणमूल में जा रहे हैं, जिस तरह से हारी है। आगे जहाँ भी चुनाव है किसान जाएंगे, त्रिपुरा पे है, गुवाहाटी, हर जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तो आप समझ लीजिए इनके हेलीकॉप्टर अब वो सब मंत्रियों का आना बंद हो गया है, अपने प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं, जहाँ भी ये कार्यक्रम करेंगे किसान विरोध करेंगे। और हर राज्य में जहाँ चुनाव है जाकर के कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, ये किसानों की हथियारी पार्टी है। एक सवाल आपसे भी, एक साल का तजुर्बा बताइए एकदम शॉर्ट में। पूरी दुनिया के लोग इंसान हैं, मैं किसी को मजहब नहीं मानता, मैं इंसान मानता हूं हर लोग को। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं मोदी जी, आप में अगर इंसानियत बची होती तो क्यों तो आप कानून वापस लेता, किस लिए बनाए थे? अगर हमारे लोगों को एक साल रोड पे बिठाना था किस लिए बनाए थे और क्यों वापस ले रहे हैं? पूरा वर्ल्ड देख रहा है, शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी, क्योंकि हमारे लोग मेहनती लोग हैं, मेहनत करके अपने बच्चों को पालते हैं और एक साल से रोडों पर सो रहे हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी, कहते तो कानून बनाने नहीं थे और बनाने थे तो वापस क्यों लिए? सबसे बड़ी शर्म की बात है इस वर्ल्ड में, ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। आप बताइए हमें कि ये आपको तो मतलब मीडिया वाले ज़्यादा दिखाते नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस देश के है, क्या बताएंगे? हमारे को तो तब दिखाते जब आतंकवादी खालिस्तानी होते, ऐसे नहीं दिखाते। अच्छा, जैसे कई दिन पहले मेरे ऊपर राजद्रोह केस लगा दिया, खूब अखबारों में या मीडिया में दिखाया। बात ऐसी है, आप ये कह रहे थे ना मोदी जी अगर गलती मांग रहे, मोदी जी अपनी कनपट्टी पर पिस्टल रख के सुसाइड करेगा ना, गोली मारेगा। मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया, मैं दर्द नहीं देख पाया, जब माफ़ होगा, सादत दे रखी है, सादत देर नहीं, ऐसे माफ़ होगा, ऐसे माफ़ नहीं होगा, सुसाइड करेगा ना,
लाइव आके जैसे वो करता है बहनो भाइयो मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मन की बात बताता है, ऐसे माफ़ी हो गया, ऐसे माफ़ी नहीं होती। हमारी माँ बहनों के साथ जो उनके कपड़े फटवाए हैं प्रशासन से, इनके सिर फोड़े हैं, इनके हाथ पैर तोड़े हैं, 750 की शहादत होगी, उसकी माफ़ी कहाँ है? अब अंग्रेज़ आके माफ़ी मांग लिया तुम्हारी वजह, हमने लाखों शहादत यहाँ दे रखी है, माफ़ी मांगते हैं क्या उसको, इंग्लैंड को वापस यहाँ कब्जा करवा देंगे। और रही है खालिस्तान आतंकवादी की बात, मोदी के लिए शर्म की बात है, ये कह रहे हैं ना आतंकवादी खालिस्तानी, आतंकवादी खालिस्तानी है ना, हम तुम्हारी बात नहीं माननी थी, कल को कोई आतंकवादी संगठन यहाँ आके एक स्टेट पे कब्जा कर लेगा क्या उनकी बात मान लेगा? उसको पता था ये असली किसान है, और ये वो लोग हैं जो पंजाब हरियाणा और जो यूपी जो नॉर्थ इंडिया जो लगे होता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी, अब भी उनकी जय वही बोलने लग रहे जो संघी लोग हैं। कंगना जी के बारे में क्या ख्याल है? कंगना क्या है, ये नचने गाने वाले लोग हैं। देखो पता क्या बात, गाड़ी कोठियाँ और ये नचने गाने वाले लोगों की मैं कभी कदर नहीं करता, इनकी जिस आदमी की वैल्यू होती है ना उसकी कभी इज्जत नहीं करनी चाहिए। इसको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 लाख 20 लाख रुपए जो डायरेक्टर के हिसाब से कपड़े पहने निकाले उसकी क्या औकात है? और ये जो गाड़ी है उसकी कीमत है, ये इतने में कोई भी खरीद सकता है, कोठी बना ली कोई चीज़ है वो कोई खरीद सकता है। क्या ये जो अनमोल लोग यहाँ बैठे हैं जो इनके अंदर इंसानियत है स्वाभिमान, क्या इनको मोदी खरीद पाया? इन्होंने अपने चमचे भेजे पता नहीं क्या क्या, क्या ये बिक पाए? अगर ये बिक जाते तो अंग्रेज़ कभी क्या खरीद ले जाते, उनके पास पता नहीं क्या था, इनके पास तो कंगना थी खरीदने नचाने गाने के लिए, ये उनसे थोड़ी अंग्रेज़ नहीं खरीद पाए हमारे को तो ये कहाँ से खरीद लेंगे। एक शेष प्रश्न आज के हमारा टिकरी बॉर्डर थे जानार चेष्टा करब, একেবারে শেষ প্রশ্ন, একজন অনেক সিনিয়র আমাদের সাথে এখানটায় রয়েছেন এবং এক বছর ধরে এনারা এই আন্দোলনটা করে যাচ্ছেন, এবং এখানে এই আন্দোলনে কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট, ইউথরা যুবকরা যেমন আছেন একেবারে সিনিয়ররাও বয়স্করাও এখানে রয়েছেন। আপকা উমর কিতনা হো? আপ জি 18 বছর। এক সওয়াল আপসে, আপ লোক পুরা দেশ কো খিলাতে হ্যায়, आपका खाना बंद होने वाला था ये काला कानून की वजह से, अभी मोदी जी को समझ में आ गया सब कुछ, विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, क्या बताएंगे? यही कोई बात नहीं मानता, पहले आके हजे शहीद हो गए, हजे उत्ते जीपा चार के बंदे मारे, यही वापसी तो की मंगा। आप क्या बताना चाहेंगे ये वापसी के बारे में? वापसी कानून वापसी होएगी, MSP का जो कानून बनाया वो जो लागू होएगा फिर घर वापसी होगी, उधर नहीं जाएंगे, डटे रहेंगे MSP तक। हाँ, आपको वकील है कि MSP होगा, लागू होगा? लागू होगा, करा के जाएंगे। अच्छा, करा के जाएंगे, जब तक MSP लागू नहीं होगी। हम तो समझे थे कि ये काले कानूनों की बात नहीं। अच्छा, MSP है जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को भी नौकरी और उनका प्रबंध करके फिर जाएंगे, उसके देर नहीं जाएंगे। এই হচ্ছে আসল কথা যার উত্তরটা আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম। অনেক প্রশ্ন আসছিল যে 29 তারিখ পার্লামেন্টে পাশ হয়ে গেলেও তারপর কি এই কৃষকরা উঠে যাবে, দেশের অন্নদাতারা আন্দোলন ছেড়ে দেবেন? এনাদের থেকে সরাসরি উত্তর না, MSP বা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস যেটা রয়েছে এটা লাগু না করিয়ে এনারা এই রাজপথ ছাড়বেন না, বসে থাকবেন, অর্থাৎ আমরা ধরে নিতে পারি কৃষক আন্দোলন কিন্তু বন্ধ হচ্ছে না। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এনাদের ঘরে ফিরে যেতে, এনারা বলছেন এনারা ঘরে ফিরবেন না। ক্যামেরায় ধর্মেশের সাথে সৈকত তলাপাত্র, ইন্ডিপেন্ডেন্ট।